नमस्कार। ये फल और सब्जियों का रस निकालने के लिए हैंड जूसर है। इसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले पार्ट में देखी है, अब इस दूसरे पार्ट में देखते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। फलों का रस हमारे पेट में जाने वाला है, तो इस्तेमाल से पहले यह मशीन धोना जरूरी है। अंदर से साफ करने के लिए इसे खोलने की आवश्यकता है। पहले इसका सबसे छोटा नॉब निकालते हैं, थोड़ा घुमाकर यह निकल आता है। हर वक्त यह निकालने की जरूरत नहीं। अब एक कवर निकालना है, अपनी तरफ घुमाकर यह निकल आता है। यह मशीन की छन्नी है, इसमें से ही रस छान कर गिलास में जमा होता है। यह एक्रेलिक प्लास्टिक है। ऐसी स्टील छन्नी वाले जूसर मिलते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यह क्रशर रॉड है, यही सब्जी और फलों को पीस कर उनका रस निकालता है। यह सभी भाग साबुन पानी से साफ करने स्क्रबर के बिना, स्क्रबर से स्क्रैचेस आते हैं। अब सब जगह पर लगाना है। पहले जाएगा इसका स्क्रू टाइप रॉड, उसके ऊपर आएगी ये छन्नी। छन्नी भले एक्रेलिक की हो या स्टील की, ये इसी तरह बैठते थोड़ा घुमा कर। अब इसे कवर से लॉक करना है, आगे पीछे करके ये बैठ जाता है। उसके ऊपर ये सफ़ेद नॉब रहता है। मशीन खोलने के लिए हर बार इसे निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसे हैंडल जोड़ना है। विरुद्ध दिशा में स्क्रू रॉड पर एक छेद दिखता है, इसमें स्टील हैंडल रखना है। प्लास्टिक का सफ़ेद ढक्कन घुमाकर इस पर फिक्स करना है। हो गया हमारा मशीन रेडी। रस निकालते समय आगे पीछे डोलना नहीं चाहिए, इसलिए इस मशीन को वैक्यूम रबर बेस दिया है। किचन स्लैब, डाइनिंग टेबल, किचन टेबल, टाइल्स जैसे किसी प्लेन सरफेस पर यह मशीन फिक्स होती है इस वैक्यूम बेस के कारण। इसका यह लॉक आराम से घूम रहा था हवा में, लेकिन जब हम फर्स्ट पर इसे इस तरह लॉक करने की कोशिश करें तो बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। अब इसकी चाबी हमारे काम आती है। यह प्लास्टिक चाबी नॉब पर रखनी है और अपनी तरफ घुमानी है, जैसे हम ताला लगाते हैं। यह ताला ही लग जाता है बड़ी आसानी से। मशीन अब बिल्कुल टच से मस नहीं होती। यह लॉक भी वैसे ही खुलता है जैसे हम साधारण ताला खोलते हैं, चाबी उस तरफ घुमाकर। यह चाबी भी उतनी ही संभाल कर रखनी है जितनी घर की रखते हैं। इसके बिना कष्टदायक होगा मशीन का इस्तेमाल। यह फ्रूट और सब्जी जूसर प्लास्टिक या स्टील छन्नी के साथ मिलता है। सभी का उपयोग करने का तरीका एक जैसा ही होता है। ऊपर के कंटेनर में फलों के कुछ टुकड़े रखने हैं। प्रेशर कप से उन्हें थोड़ा दबाकर मशीन का हैंडल घुमाते रहना है। गिलास में रस जमा होता है और पल्प बाहर गिरता है। यह मशीन इस्तेमाल में, साफ करने में और कैरी करने में आसान है। कहीं भी और कभी भी हम फलों का ताज़ा रस मिनटों में पा सकते हैं। यह फ्रूट और वेजिटेबल जूसर सिर्फ सॉफ्ट फल सब्जियों के लिए है, जैसे संतरा, अनार, अंगूर, तरबूज, टमाटर, ककड़ी वगैरह। सेब, अमरूद, चुकंदर जैसे फल सब्जियों के लिए यह नहीं है। 400 से 800 इस प्रकार के जूसर की कीमत है। कौन सा भी लो, ठीक से उपयोग में ले तो पैसे वसूल होने तक काम आ सकता है। वैसे कोई भी कंपनी गारंटी नहीं देती और ना मैं दे रहा हूँ। जरूरत हो तो खरीद सकते हो, वीडियो के नीचे लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में, सिर्फ वीडियो के नीचे बेल के निशान पर क्लिक करना है, तो आगे भी अनेक उत्पादनों की डिटेल जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।